जा रहे हैं बैंगलोर से न्यू दिल्ली तक वाया हैदराबाद नागपुर एंड देन गोवा ग्वालियर इन अवर महिंद्रा स्कॉर्पियो इन सो वील कवर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर आफ्टर रीचिंग दिल्ली वील डायरेक्टली गो टू गुड़गांव होप यू विल एंजॉय द वीडियो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि एक बहुत ही लंबा रोड ट्रिप होने वाला है सो अभी तो फिलहाल मैं अभी बैंगलोर में हूँ सो ये रोड ट्रिप जो होने वाला है वो है फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली एक बहुत बड़ा अराउंड 2200 किलोमीटर्स हम कवर करने वाले हैं एंड बहुत ही मतलब आप मेरे लाइफ का ये सबसे बड़ा रोड ट्रिप होने वाला है तो अभी फिलहाल अभी भी हम यहाँ पे बैठे हैं अभी भी निकले नहीं हैं एंड कुछ देर में निकल जाएंगे विद इन हाफ एन आवर में हम निकल जाएंगे तो अभी बज रहा है दोपहर के कितने बज रहे हैं तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो विद इन 12:30 में हम निकल जाने का कोशिश करेंगे एंड किस तरह से कौन सा रूट ले रहे हैं एंड कौन सा रास्ते में जा रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स मैं बता दूंगी फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है पूरा डिटेल्स आपको अप टू डेट मिल जाएगा सो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाला है सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर बैंगलोर टू दिल्ली जो सीरीज आने वाला है उसका फर्स्ट पार्ट है दिस वीडियो एंड कौन सा रोड हम कोशिश करेंगे जो सबसे ईजिएस्ट एंड यू नो सबसे कम्फर्टेबल जो रोड है वही लेने का हम कोशिश करेंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है ऑफकोर्स हम डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते तो हम रुक रुक करके जा रहे हैं सो कौन सा रास्ता है वो सारे आपको डिटेल्स मिल ही जाएगा एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को एंड ऑब्वियसली काफ़ी टायरिंग होने वाला है बट इन द सेम वे आई एम वेरी एक्साइटेड सो या लेट्स बिगिन दीपिका भी लास्ट मोमेंट वर्क चल रहा है सो बेसिकली हम अभी थोड़ा लंबे टाइम के लिए ही दिल्ली चले जा रहे हैं सो इस वजह से थोड़ा पैकिंग वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा एंड इन द सेम वे बहुत सारा लगेज भी हो गया एंड वो सारे को अभी मिलाना है गाड़ी में जाके सारे लगेजेस को मिलाना वो भी एक मतलब हेल लॉट ऑफ वर्क तो वो सारे चीज़ों को सिजल करना है गाड़ी में किस तरह से स्टक करना है वो सब का भी बात है इन द सेम वे और एक अभी मेजर काम के लिए हम वेट कर रहे थे जो है हमारा इंटरनेट जो लगा हुआ था तो उसको भी अनइंस्टॉल करना था उसके वजह से भी हम थोड़ा सा डिले कर रहे थे लगा दे रहा गाइस ये हमारा गाड़ी ओवर स्टक हो गया है यहाँ से देखिए मतलब पूरा स्टक मतलब एकदम स्टक हो गया पता नहीं अभी इतना लंबा जर्नी होप्स हो कि सब अच्छा अच्छा से हो सो गाइज हम फाइनली अभी निकल गए हैं सो 1:10 जैसा हो रहा है तो टाइम सही है मतलब अभी हम जहाँ में मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं वो तो बताऊँगी मैं आपको डिटेल्स आगे में तो वही हॉल्ट करते करते ही जा रहे हैं तो अभी स्टिल बैंगलोर में ही है हम अभी एंड थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि फिर मतलब काफ़ी दिनों बाद ही आना होगा या कब आना होगा अभी तो कुछ डेफिनेट कुछ प्लान नहीं है क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए अभी चले जा रहे हैं दिल्ली एंड तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है बिकॉज आई मिस डेफिनेटली द वेदर एंड एवरीथिंग ट्रैफिक वगैरह है बट उसके साथ साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट ऑब्वियसली हैं सो वो सब ज़रूर मिस करूँगी एंड उसके साथ साथ ही अभी हम लोग कुछ खाए भी नहीं आज सुबह से तो कुछ नहीं खाए क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा वर्क था घर में क्योंकि फाइनल जो वो सब पैकिंग वैकिंग रिलेटेड क्योंकि सामान आप देखिए किस तरह से पूरा ऑल स्टक है मतलब एकदम पीछे तो स्टक है मतलब ये जो हमारा सीट है ना हम पीछे और तो नहीं कर सकते और पीछे तुम्हारा वाला भी नहीं हो सकता ना थोड़ा सा भी हो सकता है ओ वाह तो थोड़ा उसका हो सकता है बट मेरा वाला नहीं हो सकता हालांकि मुझे करना भी नहीं है फिर भी क्योंकि मैं ऑलरेडी सीट को पीछे करके रखी थी ताकि कंफर्टेबली बैठ सकूँ बहुत लंबी जर्नी है क्योंकि एंड उसी के साथ साथ सुबह में कुछ खाने का कुछ मौका हमें मिला नहीं है सुबह से कुछ नहीं खाया तो देखते हैं आगे में जो भी मिलता है कुछ भी अच्छा रेस्टोरेंट जो हमारा नॉन रेस्टोरेंट है ना वो सारे सब अंदर हैं और अपने को अभी अंदर मतलब जाने का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है इतना क्योंकि देर भी हो जाएगा तो हम ऑन द वे रास्ते में ही देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है बैंगलोर में रेस्टोरेंट का कोई मतलब कमी तो है नहीं सो गाइस हम
इसी के साथ पहले टॉल पे आ चुके हैं एंड ये वही रोड है जो एयरपोर्ट जाने वाला जो रास्ता है उसी रोड से होके जाते हैं। NH 44 जैसा कि मैंने बताया था, NH 44 से लेके कंप्लीट ये रास्ता ही हम NH 44 के ऊपर से ही जाएंगे। सो एंड हियर यू गो द फर्स्ट टॉल, देखते हैं जैसे टॉल पार हो जाता मैं आपको बताती हूँ इस टॉल में कितना लगना है। सो अभी हम थोड़ा सा फास्टैग रिचार्ज के लिए रुके हुए थे। सो अभी ये जो सामने का जो स्ट्रेट आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, बट हम ये वाले रास्ते से जाएंगे, साइड वाले रास्ते से। एंड इसी के साथ साथ ये रास्ता ही सीधा जाने से नंदी हिल जाने का भी रास्ता यही है। तो आप लोगों ने देखा होगा नंदी हिल हम लास्ट टाइम जब गए थे तो ये सेम रास्ते से, और ये साइड वाला जो रास्ता देख रहे हैं ये एयरपोर्ट जाने का रास्ता है एंड ये स्ट्रेट हैदराबाद की तरफ नंदी हिल की तरफ ये स्ट्रेट जाने वाला रास्ता है। हमको स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट नहीं एयरपोर्ट वाला नहीं है, स्ट्रेट हमको स्ट्रेट रास्ते से। हाँ स्ट्रेट, हम जब भी वहाँ से जाते थे तब भी हम बोलते नहीं थे ये हैदराबाद जाने से स्ट्रेट निकलना है। यस सो गाइज, अभी इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ प्लान क्या है एक्चुअली। तो प्लान हमारे पास दो था, एक तो या फिर हम बेंगलोर से हैदराबाद जाए एंड जिसका ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर जैसा दिखा रहा था एंड उसका टाइम ऐसे 9 आवर्स या 9.5 आवर्स जैसा लगना था। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि हम ऑलरेडी हाफ डे पे निकल रहे हैं तो वो करने से बहुत ही मतलब मिडनाइट हो जाएगा या फिर मोर देन दैट हो जाएगा, तो इतना लंबा जाना हमें नहीं है पॉसिबल, मतलब शायद बहुत टायर्ड हो जाएंगे, इसके लिए बहुत सुबह सुबह निकलना चाहिए था हैदराबाद का प्लान के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग ने प्लान चेंज करा और हम बीच में कर्नूल होके जाएंगे, मतलब हम कर्नूल तक ही जाएंगे उसके बाद फिर उसके हैदराबाद रवाना होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग कर्नूल जा रहे हैं। सो कर्नूल आप लोग को पता है अगेन इट्स अ स्मॉल टाउन इन आंध्र प्रदेश। सो हम अभी कर्नूल जा रहे हैं डायरेक्टली, तो कर्नूल हमें पहुँचने के लिए अभी शो कर रहा है 328 किलोमीटर्स, 5 आवर्स रिमेनिंग बाई 7:30 होपफुली, अगर हम बीच में कितना रुकते हैं उस पर डिपेंड करता है, 7:30 इवनिंग तक हम कर्नूल पहुंच जाएंगे। फिर कर्नूल में हम स्टे करेंगे, फिर कर्नूल में स्टे करके फिर हम अर्ली मॉर्निंग हैदराबाद के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। 6 स्टेट को पार करके जाएंगे, पहुंचेंगे दिल्ली तक, तो बहुत ही लंबा है। फिलहाल अभी हम जैसे आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका MP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड देन विल रीच टू दिल्ली। सो ये पूरा सारे जितने स्टेट्स हैं स्टेट्स को हम कवर करेंगे इस पूरे ट्रिप में। सो दो टॉल अभी तक पार हो चुका है एंड पहले वाले टॉल में 55 लगा एंड सेकेंड वाले में 110। एंड इसी के साथ साथ मैं थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन के बारे में भी बता देती हूँ, एकदम एंड में पूरा डिटेल्स तो बता ही दूंगी। स्टार्टिंग में हमने पूरा फुल किया था। अच्छा फुल किया था आप लोग ने, मतलब हम लोग लास्ट दिन जब आए थे, अच्छा लास्ट का जो ब्लॉग है उसमें आप डिटेल्स आपको चेक करेंगे। हम लास्ट दिन जहाँ से आ रहे थे फिर वापस आते वक्त उसी दिन, क्योंकि हमारा आने वाला अपकमिंग ये जर्नी था, तो हमने उस दिन पूरा टैंक फुल किया था। कितना का किया था? 4200 का किया था। तो उसी से, उसके बाद हम और गाड़ी लेके नहीं निकले थे, फिर उसी से ही अभी स्टार्ट किए हैं आज का जर्नी। तो आप बता सकते हैं 4200 डीजल आज सुबह गए ना थोड़ा सा चेक करने के लिए। आज सुबह वो कितना कंज्यूम हुआ? 20 किलोमीटर। अच्छा तो 10-20 किलोमीटर उसमें और ऐड हो जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो 4200 से हमने स्टार्ट करा था जर्नी। तो अभी जब भी हम नेक्स्ट फिर रिफिल करेंगे तो फिर तब आपको बता देंगे जो आप फिर से रिफिल कब कर रहे हैं और कितना का कर रहे हैं। एंड एकदम एंड ऑफ द ब्लॉग में जब सारे ब्लॉग्स खत्म हो जाएंगे, जब हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, तब आपको पूरा टोटल करके पूरा कैलकुलेशन करके मैं बता दूंगी जो कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ या जो भी है, वो सारा डिटेल्स आपको तब पता चल जाएगा। फिर हैदराबाद में जाके दीप मुझे कहीं अच्छा सा जगह में खाना खिलाएगा। आप बताओ कहाँ में हाथों से खिलाना पड़ेगा? नहीं हाथों से नहीं, मतलब अच्छा जगह में खाना खाना है क्योंकि हैदराबाद है एंड एवरीबॉडी नोज कि हैदराबाद इज अ प्लेस ऑफ क्यूजिन्स बेसिकली, और नॉन वेज लोगों का तो पैराडाइज है। तो हैदराबाद होके हम जा रहे हैं और ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हम फूड जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो बस आप सब ब्लॉग में बने रहिए। हमारे लिए मतलब
ये रोड एक्चुअली हमारे लिए नया है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया चीज देखने को मिल रहा है। वो पूरा पहाड़ों का बना हुआ ना, पत्थरों का बना हुआ है पूरा, और ऊपर में शायद कोई मंदिर वंदिर भी है, ऊपर में झंडा भी लगा हुआ है। वाओ, मतलब अच्छा खासा शहर बसा हुआ है यहाँ तो। हाईवे के सामने एक रेस्टोरेंट मिला था, तो यहाँ में हम खाने के लिए उतरे। अब देखते हैं यहाँ में क्या अवेलेबल है। दिस इज द मेन्यू एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर हियर, आर ऑल साउथ इंडियन आइटम्स ओनली, पर मुझे लग रहा है मैं थाली ही ऑर्डर करूँ। क्या ऑर्डर किया? साउथ इंडियन थाली। साउथ इंडियन थाली फॉर बोथ ना? हमारे में सिर्फ चावल रहे, मेरे में रोटी। तुम्हारे में सिर्फ रोटी लोगे तुम? नहीं, मिक्स रहे। मैं मिक्स, और मेरे में सिर्फ चावल बोला ना। पूरी खाना? पूरी खा सकते हैं। ओके, पूरी खा सकते हैं भैया? पूरी दे यहां में, पूरी दे रहे हैं। तो ये थाली है। अच्छा, ये कार्ड दिया, कार्ड तो मैं नहीं खाती हूँ, तुम ले लो। एंड सो हम अभी खाना खा के निकल चुके हैं, अभी फिर से हम हाईवे पे आ गए हैं, एंड बस हम रोड का मतलब मज़ा लेते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ में, एंड मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये बेंगलोर हैदराबाद नेशनल हाईवे का। सो रोड अब तक तो रोड बहुत अच्छा ही मिला है हमें, एंड अभी फ़िलहाल चल रहे हम लोग। हो सकता है बीच में प्लान चेंज भी करे, आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही कुछ अगर हम प्लान चेंज करते हैं तो। हम सोच रहे हैं अगर, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, अगर हम बहुत टाइम पे पहुंच गए तो हो सकता है हम कर्नूल ले, हम डायरेक्टली हैदराबाद तक ही चले जाए, तो वो अभी तक श्योर नहीं है। फिर देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि मतलब कितना देर तक चला सकते हैं कंटिन्यूसली, तो उसके ऊपर मैटर कर रहा है, तो वो देखते हैं। एंड उसके अलावा खाना वगैरह ठीक था, हाईवे के हिसाब से खाना इतना बुरा नहीं था, ठीक था। हम लोग ने थाली लिया था, नॉर्मल थाली, वेज थाली वो शायद नॉनवेज रेस्टोरेंट था भी नहीं, वो शायद वेज ही था। तो एनीवेज, और पर हमने जहाँ में खाया उसके सिर्फ वही बेहतर है, ऐसा नहीं, उसका आगे में आके हमें बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिख रहे थे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमें पता नहीं था, तो हम वहाँ में खाए थे, वो अच्छा था, बट उससे बहुत बेटर बेटर ऑप्शंस उसका आगे आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप आगे में जाके। क्योंकि मैंने यहाँ में देखा एक बहुत बड़ा सा एक फूड हब ही था, जहाँ में KFC, CCD, स्टारबक्स, मतलब सब जितने सारे ब्रांड्स हैं सब हैं, तो वो उस जगह में अगर हम खाते थे तो हमको ऑप्शन ज़्यादा मिलता था। सो अभी नेक्स्ट स्टॉल आ गया है, नेक्स्ट स्टॉल करीबन कितने किलोमीटर, काफ़ी देर बाद आया, लेकिन लगभग 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे जैसे हो जाएंगे, 2 घंटे बाद जो नेक्स्ट स्टॉल आया। ये सब तो टॉयलेट में जा नहीं सकते, दिस आर सो डर्टी टॉल वाले, जो मतलब हाईवे के ऊपर जो ये वॉशरूम्स वगैरह होता है। हाँ, वैसे क्या टॉल गेट के सामने जो बड़े बड़े वो होता है ना, आजकल फूड हब जैसा बना दिया है, जो ये सब सबसे बेस्ट है, मतलब अगर आप वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना। एनीवेज, अभी जो सेकंड टॉल है, सेकंड नहीं एक्चुअली हमें एयरपोर्ट टॉल भी लग गया, क्योंकि एयरपोर्ट वाला रोड था, तो पहले एयरपोर्ट टॉल लगा, देन 110 रुपीज़ लगा, एंड अभी उस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज़ द थर्ड टॉल। यहाँ में आई थिंक 110 ही मैंने देखा, 115 रुपीज़ लगा यहाँ के टॉल में, तो अब तक लग चुका है 55, 110 एंड 115, और अभी भी हम NH 44 में ही है।
लोकेशन है अनंतरापुरम, तो हम ये अनंतरापुरम के ऊपर से भी जा रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक जैम है यहाँ में, थोड़ा बहुत थोड़ा क्राउडेड है रोड। टेन फिफ्टी फाइव हो रहा है, पर स्टिल अभी आगे में चलते चलते थोड़ा रुकना उकना है, तो फिर ले दे के वही टाइम होगा। तो गाइज अभी हमारा डिसीजन चेंज हो गया, कर्नूल हम नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली हैदराबाद ही जा रहे हैं, बिकॉज टाइम भी सही है और हैदराबाद मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा बुकिंग जो था वो कर्नूल के लिए था, बट वी हैव टू कैंसिल इट नाउ, और हम लोग अभी बुकिंग कर रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो रात 12 बज जाएगा, अभी लोकेशन भी दिखा रहा है ज़्यादा उतना टाइम पे पहुंच जा रहा था, 7:30 तक कर्नूल पहुंच जा रहा था। तो वी डिसाइडेड जो अभी रुकने का ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो डायरेक्टली टू हैदराबाद इटसेल्फ। तो हम रुके ही नहीं, तब से हम गाड़ी चला ही रहे थे, बस अभी थोड़ा आए हैं यहाँ में थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, अगर टी कॉफ़ी वॉफी कुछ पी के फिर रवाना हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा देर ना रुके। सो गाइज अभी हम यहाँ में थोड़ा सा ब्रेक लिए, काफ़ी अच्छा जगह है, और सबसे मेन बात है कि अभी ये जो फूड हब्स है ना, ये काफ़ी जगह में ऐसे बने हुए हैं, इसलिए काफ़ी जगह में ये फूड हब्स वगैरह बीच बीच में बने हुए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होता है कहीं में भी खाना पीना। सो इस वजह से हाईवेज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड हम यहाँ में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए रुके हैं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बोला है कि प्लान चेंज कर दिया, अभी 6:49 हो रहा है PM एंड वी वर सपोज टू रीच एट 7:30 अगर हम कर्नूल जाते थे तो, क्योंकि हमने प्लान चेंज कर दिया एंड विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि हम जितना आगे के तरफ बढ़ जाए उतना अच्छा है, तो हमने सोचा चलो हैदराबाद तक ही पहुँच जाए। सो गाइज अभी ये हम कर्नूल पे पहुँच गए हैं, जहाँ में हमारा पहले स्टे करने का प्लान जो था, तो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट सिटी। तो पर हम तो यहाँ में नहीं रुक रहे, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो अभी कर्नूल से ही आगे जा रहे हैं, और कर्नूल का टाइम भी एक्यूरेट है ना, कर्नूल का टाइम भी एकदम एक्यूरेट है, 7:30 का टाइम ही हमें दिखाया था, तो 7:30 एकदम डॉट 7:30 को हम कर्नूल पहुंच गए हैं। अभी हम कर्नूल के ऊपर से निकल जा रहे हैं, क्योंकि हमारा होटल जो था वो आगे से राइट साइड में हमें टर्निंग लेना था, मतलब अगर हम रहते थे वहाँ में तो हमें आगे से राइट टर्न लेना था, तो हम नहीं लिए, हम तो अभी सीधा निकल जा रहे हैं हैदराबाद के लिए। सो फिर से टॉल आ गया गाइज, इससे पहले भी एक टॉल गया था, वो मेरा स्किप हो गया, जिसमें फिर से 110 रुपीस लगा था। तो ये छठवा है, सिक्स्थ टॉल है फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद का। अभी तो और भी आने बचे हैं। हाँ अभी और भी आएगा, मुझे लग रहा है और दो आने चाहिए। फिश का स्ट्रक्चर का वो बिल्डिंग था, करेक्ट यप। सो हम लोग हैदराबाद भी पहुंच गए हैं, अभी होटल पहुंचने में 11 किलोमीटर बाकी है, 17 मिनट में हम होटल पहुंच जाएंगे, तो एकदम एक्यूरेट टाइम पे ही पहुँचे, 12 अभी तक बजा नहीं, 12 से पहले ही पहुंच रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। ये अभी हम लोग जाते जाते देख रहे कहाँ पे अच्छा बिरयानी अभी रात को ही खाना ऑर्डर करें, तो बहुत सारा ऑप्शंस तो मिल रहा है एंड पर टाइमिंग वगैरह ठीक से पता नहीं है ना, टाइमिंग यहाँ में क्या है, क्योंकि अभी 12 बजे नहीं है पर 12 बजने वाला है, क्या इतनी रात को खुली रहती है ना बंद हो जाती है, ये हमें ठीक से पता नहीं है, तो इस वजह से हम अभी रिस्क नहीं ले रहे जो, क्योंकि हम अभी फ्लाईओवर के ऊपर है, अभी उसके लिए फिर नीचे उतरना होगा एंड देन कन्फर्म करना होगा। जोमैटो से अभी नहीं पहुँचते है ना, फिर ऑर्डर कर देंगे, क्या हो गया इतना, 12 बज जाएगा ना फिर बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं देख रही हूँ, तो वही अभी शायद हम जोमेटो से ऑर्डर कर ले फिर देखते, क्योंकि 12 बज के आगे अगर हम फ्लाईओवर से नीचे उतर जाए फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके अगर देखे वो रेस्टोरेंट बंद है, तो खामखा अपनों को घूमना हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत टायर्ड भी हो गया, रात भी हो गया, सो लेट्स नॉट टेक दैट रिस्क एंड बेटर गो टू द होटल डायरेक्टली। एसी ऑन करा दूंगी, ठीक। सो गाइस दिस इज द होटल रूम, ये एक छोटा सा एक होटल रूम है, बहुत बड़ा सा रूम नहीं है, हैदराबाद में तो बहुत अच्छा, इनका पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छा तो लगा नहीं है, क्योंकि आके हमें
गाड़ी का पार्किंग सब पूरा फुल मिला, तो हमें आगे थोड़ा आगे में जाके थोड़ा पार्क करना पड़ा। तो ये पता नहीं था, उनको फ़ोन करके पूछा भी था, बट स्टिल वो पार्किंग तब तब बोले थे अवेलेबल है, बाद में नहीं बोला। आने के बाद देखा अवेलेबल नहीं है, पूरे गेस्ट लोगों ने सब पार्क करके रखा, तो थोड़ा दूसरा जगह में पार्क करना पड़ा। तो ये थोड़ा हॉस्पिटल सिचुएशन हो गया। अभी बज रहे हैं 12:22 और हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं, वी आर लाइक वेरी टायर्ड नाउ। तो अभी बस इस ब्लॉग को यहीं में एंड करते हैं, एंड कल फिर हम हैदराबाद से रवाना हो जाएंगे, और कल का डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। एंड कल का भी सफ़र बहुत लंबा ही है, छोटा नहीं है, सो बहुत टायर्ड है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं में एंड करते हैं, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।